हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाला है Realme X2 में 11.f.25 ये जो अपडेट रिसीव हुआ है इसके बारे में। अब ये जो अपडेट रिसीव हुआ है, ये अपडेट थोड़ी सी अलग थी और थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि इस अपडेट के अंदर तो बड़े बग्स जो लोगों के फेस हो रहे थे उन लोगों को देखने को मिला है। और उनमें से कुछ लोगों ने एक्चुअली मुझे ये कहा है कि यस, उनका जो प्रॉब्लम हो रहा था वाईफाई वगैरह में, जो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रहे थे, वो प्रॉब्लम एक्चुअली उनका सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि यह अपडेट ऑलरेडी मेरे पास भी रिसीव हो चुका है, यह है उसका प्रूफ, और मैंने अपडेट कर लिया है, यह है उसका पिक्चर। अब अपडेट करने के बाद एक दिन बीत चुका है, अभी मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को मिला है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने एक्चुअली Realme X2 में जो सेक्शन है Realme कम्युनिटी में, वहाँ पे बहुत कम लोगों ने ये पोस्ट किया है कि हमें मिल चुका है। तो अभी बात करेंगे कि एक दिन पूरा यूज़ करने के बाद मुझे Realme X2 में क्या कुछ देखने को मिला और क्या नहीं मिला और क्या लगा कि फिक्स हुआ है या नहीं फिक्स हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे इनिशियल रिव्यू, क्योंकि भाई इसमें और मतलब बड़ा करके रिव्यू देने का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपडेट में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कैमरा के बारे में। अब यहाँ पे जो कैमरा है इसमें सेम कंडीशन बिलोंग है, मतलब यहाँ पे जो स्लैक थी वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगती है बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि रिस्टार्ट करने के बाद हो रहा था कि नहीं, पर बढ़ चुकी है। अभी वीडियो सेक्शन में भी स्विच होने में लैग वगैरह आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, बट ये हो रहा है इस वाले अपडेट की वजह से। पिछले वाले अपडेट में कैमरा में ऑनली लैग था, अभी आ चुका है वीडियो में लैग। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं बैटरी ड्रेनिंग इशू की। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से Realme X2 का वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हमेशा इसको ना एज ए मॉनिटरिंग कंडीशन में रखता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं, कल रात को मैंने अपडेट में लगाया फ़ोन को और अपडेट कम्प्लीट हो गया, तब मेरी फ़ोन में 56% चार्ज था। ध्यान से सुनते रहिए। सुबह में उठा, मतलब 6.5 घंटे बाद शायद मैं सुबह में उठ गया, 6.5 घंटे में लगभग 20% का बैटरी ड्रेन हो गया था। मतलब हाँ, इंटरनेट ऑन था, व्हाट्सएप वगैरह ऑन था, सब ऑन था, पर 20% ड्रेन भाई कैसे हो गया? मतलब 20% ड्रेन हो गया, वो 38% था, 58 to 38। अब मुझे लगा कि भैया क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, जिसके लिए मतलब 20% चार्ज चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि ऑल एप्लीकेशन वगैरह भी क्लियर थे, देखा कि नॉर्मल इंटरनेट काम कर रहा है, 4G प्लस एक्टिवेट था, ये हो सकता है, पर 20% ड्रेनिंग इज क्वाइट बिग। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को बैटरी ड्रेनिंग का इतनी इशू मेरी जैसे आ रहा है कि नहीं, मतलब मैं ऐसे तो नहीं देखता जब मैं यूज़ करता हूँ, लाइक अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि कितनी बैटरी यूज़ हो रही है, क्योंकि अभी मेरा काम है। अब जब काम नहीं है, जब फ़ोन ऐसे पड़े रहते हैं, तब जब इतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है, दैट्स क्वाइट अनयूजुअल मुझे लगता है। आप लोगों में से किसी का हो रहा है कि नहीं वो आप बता सकते हो। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, इस पूरे दिन के अंदर एक बार मैंने चार्ज भी कर लिया। अब चार्जिंग स्पीड के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना मैंने उसको काउंट किया है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं लगाता हूँ 90%, मैं देखता हूँ और निकाल लेता हूँ, मुझे टाइम की कोई परवाह नहीं रहता। और मुझे नहीं लगता कि इतनी पुराने होने के बाद एक्चुअली टाइम कोई परवाह करता है या नहीं करता है। झट से लगाया, झट से ओपन कर लिया, बस इसका चार्जिंग फास्ट है, बस मुझे इसे चल जाता है। अब बात करते हैं भाई, एक जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो है भाई, 91% पे जब मैंने को देखा, जब निकालने के लिए देखा, तब भी भाई साहब बहुत ज्यादा हीट हुआ पड़ा था। मतलब आप लोगों को पता होगा कि 85% के बाद से ना धीरे धीरे हीटिंग डाउन होता रहता है। अब हीटिंग डाउन होने का मतलब है कि अभी चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगा, मोबाइल खुद को रिकवर करके 100% डिलीवर करेगा, ये क्वाइट द थिंग, ये ऐसा होता है। बट मुझे अभी देखने को मिला कि 91% के बाद भी बहुत ज़्यादा हीटिंग है। मतलब मैंने उस टाइम ही फ़ोन को निकाल लिया, मैंने 100% नहीं किया। अब अगर मैं 100% करता, मैं एक बार टेस्ट करके देखूंगा कि 100% तक चार्जिंग मतलब हीटिंग था या नहीं था, क्योंकि 91% में मैं हाथ से तो फील कर रहा था कि 41% तो हीट हुआ, 41 डिग्री हीटिंग तो 100% है। मतलब चार्जिंग में हीटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और बाकी बोलने वाला कुछ भी नहीं है। मैंने ज़्यादा कुछ फेस नहीं किया, थोड़ी सी गेम भी खेली, मुझे ज़्यादा कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल ही लगा। गेमिंग जैसे पहला चलता है वैसे ही चल रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत बढ़िया टाइप का लैग हो गया, एकदम अटक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बोलने वाला कुछ चीज़ नहीं है। एक बार बताना चाहता हूँ, अभी एक ही दिन पूरा कंप्लीट हुआ है, मतलब कल रात को अपडेट किया था, आज रात हुआ है, आज रात वीडियो बना रहा हूँ ऐसे एक रिव्यू वीडियो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, 1-2-3-4 दिन और भी वेट कर जाओ और देखो कि आप लोगों को क्या फेस हो रहा है,
रहा है क्या नहीं फेस हो रहा है। और मुझे लगता है ये बैटरी रनिंग इशू और कैमरा इशू भाई हमें छोड़ने वाला है नहीं। अब एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, फ़ोन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इतनी मुझे तो ये पता लगा है, मैं आपको रियलमी एक्स वाला वीडियो में बता देता हूँ कि भाई जो रोड मैप अभी भी रियलमी 3.0 का रिलीज़ नहीं हुआ है, उस रोड मैप के अंदर जो जो डिवाइस अभी लॉन्च होंगे एंड्रॉइड 12 में उसका टाइमलाइन दिया जाएगा। मतलब रियलमी एक्स टू या ओल्डर डिवाइस का आने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है, मैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ कि भाई अभी टाइम है रीसेल कर दो, मतलब एक्सचेंज कर दो। 7000 का मुझे तो एक्सचेंज मिल रहा है, तो आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता, एक्सचेंज कर दो और इस चीज़ को हटाओ, एक नया फ़ोन ले लो अच्छी कंडीशन में। 7000 रुपये ऑफ, मतलब 20000 का मोबाइल भी 13000 में मिल जाएगा, तो अच्छी कंडीशन भी हो सकता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, जस्ट मेरी कुछ ओपिनियन थॉट्स बता दिए 11.8.25 वाला अपडेट के लिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है नहीं लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप 100% बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसा वीडियो अगर देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय।